मौजी सामीन, जैसा कि आपको मालूम है कि आज जश्न मौलूद काबा मनाया जा रहा है, और आज जैसा कि मैंने अभी कुछ देर कबल आपको बताया था कि हमारे तकरीबन सभी मेहमानान तशरीफ ला चुके हैं। अबू तुराब एजुकेशनल ट्रस्ट और आलमी उर्दू फाउंडेशन के अहदेदारान से दरख्वास्त करता हूं कि हमारे मेहमानान को फूलों का गुलदस्ता पेश करें और उनकी गुलपोशी करें। आप हजरात से दरख्वास्त है कि ज़ोरदार तालियों से उनके इस्तकबाल में अपनी मर्जी शामिल कर दें। के रहमान खान साहब की गुलपोशी कर रहे हैं जनाब कबीर सिद्दीकी साहब, आज के प्रोग्राम के रूह रवां। मौलाना कलवे जवाह साहब की गुलपोशी की जा रही है, और जनाब कबीर सिद्दीकी साहब उनको शाल पहनाकर। सिराजुद्दीन कुरैशी साहब, अब रईस अहमद जारचूरी साहब का इस्तकबाल किया जा रहा है। अब अजीज बरनी साहब का इस्तकबाल करें, जोरदार तालियों से आप लोग इस्तकबाल करें। शाहिद मेहंदी साहब का इस्तकबाल किया जा रहा है, गुलजार देहलवी साहब का इस्तकबाल किया जा रहा है, और जनाब हसन काजमी साहब का इस्तकबाल हो चुका। जस्टिस फखरुद्दीन साहब का इस्तकबाल हो रहा है, आप हिंदुस्तान के जाने माने वकील और वकील हैं और जज भी रह चुके हैं। सफदर साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, सफदर साहब दिल्ली को जानते हैं और दिल्ली सफदर साहब। रहमान साहब का इस्तकबाल हो रहा है जी। मतीन अमरोही साहब, काजिम अली खान साहब का इस्तकबाल हो रहा है, सलीम सिद्दीकी साहब जहां पर भी हों उनसे दरख्वास्त है कि स्टेज पर आए ताकि उनकी गुलपोशी की जाए और शालपोशी की जा सके। आप लोग जोरदार तालियों से इस्तकबाल करें। मैं सिद्दीकी साहब से दरख्वास्त करूंगा कि वो बारगाह घसालत में नजराने अकीदत पेश करें। जिक्र हबीब पाक से इज्जत मिली मुझे, शुक्र खुदा के दायमी ताकत मिली मुझे, शुक्र खुदा के दायमी ताकत मिली। सुल्तान अंबिया वो इताअत के फैज से गैर खुदा के खौफ से फुर्सत मिली मुझे, सरकार के वसीले से रब का करम मिला, रब का करम मिला, सरकार के वसीले से रब का करम मिला, रब का करम मिला, अल्लाह के कलाम से बरकत मिली मुझे, अल्लाह के कलाम से जिक्र हबीब पाक से। मैं दरख्वास्त करूंगा जनाब अफजल मंगलूरी साहब से कि बड़ा करम स्टेज पर तशरीफ लाएं और अपना कलाम पेश करें। हजरात, आज के इस मुबारक जश्न मौलूद काबा की आप सभी को मुबारकबाद, और एक अली सिद्दीकी साहब
की रिवायत को कबीर सिद्दीक के सामने जिंदा रखा, वो भी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। मन कबल से कबल एक बात अर्ज करना चाहता हूँ कि हज़रत अली मौला अली मुश्किल कुशा के मौज़े आज भी अगर आदमी देखना चाहे तो जिंदा हैं। अली सिद्दीकी साहब जो जश्न मौलूद काबा के यहाँ इनाकात करते थे, उन्होंने मुझे खुद अपनी ज़बान से बताया था। मैंने उनसे अर्ज़ किया कि हिंदुस्तान के कम से कम 5 प्राइम मिनिस्टर तो मैं देख चुका हूँ जो आपके घर पर तशरीफ़ लाते हैं आपके एक हुक्म पर, इसकी वजह क्या है? वो कहने लगे कोई वजह नहीं, मैं नजफ में जब गया तो हज़रत अली के आस्ताने पर मैंने अपनी ज़बान को रगड़ा। ये मुझे खुद अली सिद्दीकी साहब ने बताया था और उस दिन से वो तासीर मेरी ज़बान में पैदा हो गई। बड़े से बड़ा चाहे वज़ीर आज़म हो या राष्ट्रपति हो या कोई मिनिस्टर हो, मैं किसी से घबराता नहीं लेकिन सब लोग एहतराम करते हैं। उस ज़बान मेरे अंदर कोई तासीर नहीं है। मैंने नजफ में हज़रत अली के आस्ताने पर ये ज़बान को बोसा लिया और अपनी ज़बान को रगड़ा और आज ये तासीर उनके नाम की तासीर है। तो हम आज भी अगर दिल से अकीदत शर्त है कि उनको मान लें तो यकीनन तमाम दुनिया आपके कदमों में आए। एक मरकबत पेश कर रहा हूँ, समाज फरमाइएगा। आस के फूलों की चमक है तो अली है, ईमान के जलवों की चमक है तो अली है, एहसास के फूलों की। और शेर समाज फरमाए, है दीन के दामन पे भी गुलबूटे उन्हीं के, और बिस्तर हिजरत की धनक है तौली है, और बिस्तर हिजरत की। शेर समाज फरमाए, कहती है इमामत के सितारों की जिया भी महताब नबूवत की चमक है तो अली है, महताब नबूवत के। और मरहब ने जमीन पर लिखा यूं नाक रगड़ कर, मरहब ने जमीन पर लिखा यूं नाक रगड़ कर, दुनिया में शुजात का फलक है तौली है। शुक्रिया बहुत बहुत। हमारे तमाम सज्जाद गान यहाँ तशरीफ़ फरमा है, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के, बाबा फरीद के आस्थाने के और अजमेर शरीफ दरगाह के मेंबर मौलाना वकील साहब शकील जमा साहब। एहसास के फूलों की मरहब ने जमीन पर लिखा यूं नाक रगड़ कर, दुनिया में शुजात का फलक है तौली है, दुनिया में शुजात का। और आखिरी शेर समाप्त फरमाइएगा और काफी की दाद चाहूंगा गुलजार साहब और मौलाना आजमी साहब। काबे में तकद्दुस के जनक है तौली है, औरों की वफाएं मुझे तस्लीम है लेकिन अहमद के वफादार नमक है तौली है, अहमद के वफादार। शुक्रिया। मक्ता समाज फरमाइए, मेराज की हर बात से अफजल हुआ साबित, हम नफ्स नबी अर्श तलक है तौली है, हम नफ्स नबी अर्श तलक है तौली है, ईमान के जलवों की चमक है तौली है, एहसास के फूलों की। मौजी सामी, हमें मालूम है कि अंग्रेजी ज़ुबान इंटरनेशनल लैंग्वेज है, यहाँ पर बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो उर्दू में कम वाकफियत रखते हैं और अंग्रेज़ी में ज़्यादा, और इसीलिए मैं आज के मौके की मुनासिबत से मोहतरमा
हबीबा सिद्दीकी साहिबा से दरख्वास्त करता हूँ कि वो यहाँ पर आएं और हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में अपने ख्यालात रखें अंग्रेजी जुबान में। मोहतरमा हबीबा सिद्दीकी साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। द ग्रेटनेस एंड यूनिक स्टेटस ऑफ हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इज एविडेंट फ्रॉम द वेरी फैक्ट दैट ही वाज बोर्न इन द मोस्ट सेक्रेड हाउस ऑन अर्थ द काबा। This is the reason why he is called Maulud-e-Kaaba, one who was born in Kaaba. Hazrat Ali spent his childhood under the care and affection of the Holy Prophet, Hazrat Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Among the young, Hazrat Ali was the first to embrace Islam. At all times, he accompanied the Holy Prophet, and his life is a shining example of character, knowledge, self-sacrifice, bravery, kindness, generosity, and oratory. Divinity provided to him the unique sword called Zulfiqar. He was also called as the Mushkil Kusha, one who solves all difficult problems, and Babul Ilm, the gate of knowledge. Hazrat Ali was born inside the Kaaba on 13th Rajab, 600 AD. He was named Ali by his father, Hazrat Abu Talib, and mother, Fatima bint Asad. Hazrat Ali was also called Abul Hasnain and Abu Turab. He underwent all the trials and tests along with the Prophet for many years. On the night of Hijrat, he slept in Prophet's bed and thus failed the attempts of the enemy to harm the Prophet. Hazrat Ali married the daughter of Prophet Hazrat Fatima Zahra in the second year after Hijrat. The same year, he demonstrated his bravery in the war of Badr. Next year, he participated in the war of Uhud, and he played a key role in the historic Sulh Hudaybiyah. In the seventh year after Hijrat, he uprooted the heavy gate of Khyber Fort, and thus established a matchless record of bravery. He took part in the holy wars of Tabuk, Yarmouk, victory of Makkah, and Banu Khuzaymah, and was instrumental in the victories of Islam. Hazrat Ali obtained martyrdom on Monday, 21st Ramadan, 40th Hijri, at the age of 63, while he was praying in the Kufa Mosque. Hazrat Ali was a swordsman as well as a great man of letters. The whole world bows its head before his wisdom, scholarship, statesmanship, and intellectual brilliance. He codified the grammar of Arabic and invented the Kufi script. He was the chosen one to write the Wahi, the message of Allah. Prophet said about Hazrat Ali, and I quote, "I am the city of knowledge, and Ali is the gate." He further said, "Main jiska maula hoon, Ali uske maula hai." On the occasion of birthday of Maulaye Kainat, Hazrat Ali, the organization of sacred congregation as Jashn-e-Maulud-e-Kaaba by Abu Turab Educational Trust is a practical endeavor to spread the eternal light of noble teachings of Hazrat Ali towards the mankind. Thank you.